समस्त मानव जाति को भगवान द्वारा दिया गया वरदान गीता ज्ञान है, जिसे जीवन में धारण करने से भटकाव, भ्रांतियों, बुराइयों, कुरीतियों और अक्षमता से मानव को निजात मिल जाता है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा शास्त्र है जिसमें भगवान उवाच है। लेकिन आज व्यक्ति गीता ज्ञान और गीता ज्ञान दाता से विमुख हो गया है। गीता ज्ञान दाता से मानव जाति के टूटे इस संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए गीता जयंती के शुभ अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय समेत देश भर के सेवा केंद्रों पर गीता सम्मेलनों का आयोजन हुआ। शांतिवन में आयोजित इस भव्य सम्मेलन में संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रजमोहन भाई, डॉक्टर स्वामी शिव स्वरूपानंद सरस्वती जी, महंत धर्मराज भारती जी, महंत डॉक्टर सियाराम दास जी, धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ भाई, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शीलू दीदी, बीके उषा दीदी समेत सैकड़ों गीता प्रेमी उपस्थित रहे। परमात्मा एक स्वरूप में अवतरित होता है और वो संसार को ज्ञान देता है। भगवान ने वो ज्ञान गीता के माध्यम से अर्जुन को दिया और गीता के माध्यम से आज वही ज्ञान उषा दीदी के माध्यम से हम सबके सामने आया है। कह तो दिया शिव ने काम को वसम करवा दिया, लेकिन एक दम से वसम नहीं करवाते शिव बाबा, क्योंकि हमें करना है, हमारे अंदर है। लेकिन इसे बहुत काल से करते करते अब ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार साक्षात जवंत जलवंत सबूत हैं कि लाखों लोग इसको जीत सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह अर्जुन तेरे भी बहुत जन्म है, मेरे भी बहुत जन्म है, ये राजे लोगों के भी बहुत जन्म है। ना कोई काल ऐसा था जब तुम नहीं था, मैं नहीं था, ये लोग नहीं थे। जहां श्री कृष्ण ने अपने पुनर्जन्म की बात की है, और इसीलिए जब पुनर्जन्म की बात की है तो नेचुरल है कि श्री कृष्ण के अनेक पुनर्जन्म के बाद जो नर स्वरूप है वो साधारण स्वरूप कलयुग के अंत में जब आकर के पहुंचता है, तब भगवान पुनः, महात्मा जी ने कहा हम सब अर्जुन है, हम सब अर्जुनों को पुनः वो गीता ज्ञान सुनाने के लिए आना पड़ता है। ऐसे ही हरियाणा सोनीपत के विश्व कल्याण सरोवर में आयोजित सम्मेलन में चर्चा का विषय रहा स्वर्णिम भारत का आधार श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें चर्चा करने के लिए कर्नाटक से पधारे गीता विशेषज्ञ बीके वीणा दीदी, जीएसटी के प्रिंसिपल कमिश्नर महेंद्र रंगा, श्री श्री 1008 डॉक्टर स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज, मातृभूमि सेवा मिशन के संस्थापक डॉक्टर श्री प्रकाश मिश्र, डीडी न्यूज के परामर्श संपादक मनीष वाजपेयी, ब्रह्मा कुमारीज में मीडिया प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके सुशांत समेत शहर के कई जाने माने लोग उपस्थित रहे। जो मुझे अजन्मा, अनादि और सर्वलोक का महेश्वर समझकर मेरी शरण में आता है, वही सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। इंदौर के न्यू पलासिया स्थित ओम शांति भवन में गीता जयंती के उपलक्ष्य पर आयोजित धर्म सम्मेलन में जस्टिस बीडी राठी, स्वामी श्री प्रणवानंद सरस्वती, इंदौर जोन की प्रभारी बीके आरती, धार्मिक प्रभाग के कार्यकारी सदस्य बीके नारायण, कौन मंदिर के पार्थ सारथी दास, शैलेंद्र शास्त्री उपस्थित रहे और गीता ज्ञान पर चिंतन मंथन किया। दिव्य गुणों की धारणा कैसे की जाए, अपने अंदर से अवगुणों को कैसे निकाला जाए, वो भी गीता में वर्णित है। अर्जुन के पास में सब कुछ ज्ञान था, पर उनके पास सच्चा गुरु नहीं था, ज्ञान देने वाला नहीं था कि लक्ष्य को किस प्रकार से प्राप्त करें। ऐसे राजकोट के पंचशील सोसाइटी सेवा केंद्र पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कैंसर हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दिव्येश, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी के अंजू समेत 150 लोग उपस्थित रहे। गीता तो श्रेष्ठ अने उच्च शास्त्र छे, शस्त्र छे, ज्ञान नो भंडार छे, सागर छे, परंतु वात त्यां आवीने अटकी जाय छे के आखरे गीता ना रचयिता कोण छे।
इसी क्रम में देखिए बिहार के गया की खबर, जहां सिविल लाइन सेवा केंद्र पर आयोजित संगोष्ठी का शुभारंभ बोध गया से पधारे पंडित ओमकार, गुरुद्वारा प्रबंधक भगवान सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला ने दीप जलाकर किया। शुभारंभ के पश्चात बीके शीला ने कहा कि वर्तमान समय धर्म ग्लानी का चल रहा है, इसीलिए ही निराकार परमात्मा शिव अवतरण लेकर गीता ज्ञान सुना रहे हैं। ब्रह्मा के माध्यम से साधारण तन के द्वारा परमात्मा ने उनके मुखारविंद से के राज्यों का ज्ञान दिया। महादौर के युग में सभी लोग अपने अपने तरीका से परमात्मा को तो याद कर ही रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा और बहुत विचित्र माध्यम है जो ईश्वर को अपने हृदय में प्रतिष्ठित करके और इसका लाभ उठा रहे हैं। लखनऊ के गोमती नगर सेवा केंद्र पर भी गीता जयंती उत्सव सीबीआई की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कविता मिश्रा, महामंडलेश्वर दिव्या गिरी, विनायक हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अनुपम शरण, डॉक्टर अमोद सचान, सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा, राजयोग शिक्षिका बीके स्वर्णलता की उपस्थिति में मनाया गया। हम कभी बचपन में भी मुख में पानी नहीं डालते थे जब तक गीता का अध्ययन करके स्नान करके अध्ययन दो श्लोक भी चाहे पढ़ ले उसके बाद भी हम मुख में पानी डालते थे, ये हमारे जीवन का नियम था। ऐसे नियम पूर्वक जब गीता का अध्ययन करते हुए बड़े हुए गए, जब प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ईश्वरी विश्वविद्यालय के संपर्क में आए तो पहले ही दिन हमको लगा यहाँ गीता सुनाई नहीं जाती, यहाँ गीता जिया जाता है। गीता और हमारे जीवन में अंतर नहीं, हमारा जीवन ही गीता बन जाता है, ये मुझे बोध हुआ। मानवीय धर्म ग्रंथ है, मानवता का सबसे बड़ा संदेश, न्याय प्रशासन का सबसे बड़ा संदेश हमको गीता में ही मिलता है। सबसे पहला गीता का पाठ आत्मिक स्थिति। आप कहीं भी रहें आप खुद इस चीज को अनुभव करेंगे कि अगर जो आप आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं तो चाहे आपकी वो घर की समस्या हो या बाहर की, अपने आप सुलझ जाती है। पहला हमारी अल्फाबेट है ए, कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, इस शरीर को चलाने वाली जीवनदायिनी शक्ति आत्मा हूँ। ये हमें अब अच्छी तरह समझ में आ गया। तो इसके संबंध सिर्फ एक से है और वो है परमपिता परमात्मा, वो भी निराकार है और वो परमपिता परमात्मा इतना कृपाशील है, इतना दयालु है कि उसके 800 करोड़ बच्चे हैं और सबके लिए एक समान करुणा है, एक समान प्रेम है, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव हमारे अंदर है कि हमने अपने वो चक्षु, वो कनेक्शन जिससे वो जुड़ता है उसमें आवरण लगा रखे हैं, इंसुलेटेड लेयर्स लगा रखे हैं विकारों की। ऐसे तेलंगाना के सिकंदराबाद और हरियाणा के फरीदाबाद समेत कई सेवा केंद्रों पर सम्मेलनों और कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, देखिए उसकी कुछ तस्वीरें। संसार में मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अनेक मार्ग अपनाता है। आज हम जानेंगे उस मार्ग के बारे में जो स्वयं परमात्मा ने बताया है, वह है सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवद् गीता। माताओं की कन्याओं की क्या दशा है, यही तो दशा। तो ये कथा आज सिद्ध होती है, ये कथा आज हो रही है। परमात्मा स्वयं साक्षात उतरकर 86 वर्षों से इस ज्ञान को सुना रहे हैं और अपने अर्जुनों को जगा रहे हैं कि अब समय कम है, मुझे पहचानो। अलग अलग धर्मों में बट के मारे कटे या किसी को मारे या नीचा दिखाएं, इसके लिए धर्म कभी हमें ये प्रेरित नहीं करता कि हम धर्म पे उसके चले। गीता हमने पढ़ ली तो बहुत बड़ा ज्ञान हमारे पास आ गया, लेकिन हमने किया क्या गीता पढ़ के? उन्होंने अहिंसा का मार्ग दिखाया कि बुद्धि से छोड़ना है। जब व्यक्ति मृत्यु शैया पर होता है, उसकी अंतिम श्वासें चल रही है,
तब भी उसको सब आकर ये कहते हैं कि अब सबको भूलो कि हम निराकार है, घर है जाना प्रभु संग, इंतजार है तू परमात्मा, जग का आधार है शिव ज्योति अलोकित, निराकार है। गीता को धारण करने से आपका मन पवित्र हो जाता। गीता जयंती हम मनाते तो कृष्ण का जयंती अधिकांश लोग समझ करके मनाते हैं। गीता का समय यही है, इसी वक्त है, इसी टाइम आवश्यकता है। जब सत्य नहीं है, झूठ युग है, कली काल है, भ्रष्टाचार है, ऐसे टाइम में जन जन को शिष्टाचारी बनाने के लिए ही गीता का ज्ञान चाहिए। जीवन में धर्म की धारणा नहीं रही, कौन सी धारणा पवित्रता की और शांति की। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुना।